तो ये भाई जो बच्चे YouTube पर लाइव आ गए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की क्लास। तो भाई एनडीए के अंदर इंग्लिश पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि आपकी जो एनडीए है, एनडीए रिक्रूट किसको करता है? आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट को। ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आप मैथ पढ़ेंगे, आप बायो पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो और आप जीके पढ़ेंगे। जीके के अंदर सारे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एक समझ तैयार होगी, वो समझ वहाँ पर काम आनी है एनडीए के अंदर। और एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन बांटना चाहें तो मैं कहूँगा इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है एनडीए के अंदर। ठीक है, और इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा इसीलिए बढ़ जाता है कि मैथ आपके मुख्य तौर पर काम आनी है। किसके अंदर? पेपर के अंदर काम आनी है। जीके मुख्य तौर पर आपको काम आनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सारी सारी आपके काम आनी है किसके अंदर? पेपर के अंदर। लेकिन जो इंग्लिश है वो आपकी पेपर के अंदर तो काम आएगी सर ही, किसके अंदर काम आएगी आपके? हाँ एक सेकेंड इसमें बता देते हैं आपके रिटर्न में तो काम आएगी सर इंग्लिश। प्लस साथ में इंग्लिश का बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है किसके अंदर? एसएसबी के अंदर। आप देख लीजिए एसएसबी के अंदर जिस बच्चे को अंग्रेजी अच्छे से बोलना नहीं आती है, उसका ये मान लीजिए सिलेक्शन होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसके पीछे का लॉजिक अगर आप पूछेंगे मेरे से, तो आप कि भाई सर ऐसा क्यों, हम तो इंडिया के निवासी है, भारत के निवासी है, हिंदी हमारी भाषा है, हमको हिंदी बोलने से रोक रहे हैं, हमको अंग्रेजी बोलने की बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी बोल करके सर होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, हिंदी बोलनी चाहिए। लेकिन बात हिंदुस्तान या फिर हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं है, बात है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस कैसे? आप अगर देखो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और इंडिया के अंदर तो बहुत सारी बोलियां हैं, है ना। अलग अलग जगह जाओगे आप अलग अलग बोली बोलोगे। जैसे आप मद्रास के अंदर जाओगे तो मद्रासी बोलोगे, गुजरात के अंदर जाओगे तो गुजराती बोल दोगे, अब राजस्थान में आओगे तो राजस्थानी बोलोगे। अब जहाँ आप वहाँ पे जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अगर वहाँ पे राजस्थानी बोलेंगे तो वहाँ पे मानो एक बच्चा आया हुआ तमिलनाडु से, तमिलनाडु से एक बच्चा आया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि भाई कोई भी चीज़ आप बोलेंगे उसको, वो थोड़ी समझेगा भाई, वो तो बचपन से तमिलनाडु में पैदा हुआ है, तेलुगु भाषा बोलता है। ठीक है, आपकी हिंदी समझेगा नहीं। तो वहाँ पे आपके उससे बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को उसको बताने के लिए और उसको उसके विचारों को समझने के लिए एक मीडियम हमने चूज किया है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके इंग्लिश इसी कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंग्लिश के अंदर आपके जो एनडीए है, पहली बात एनडीए के अंदर हम पढ़ते हैं इंग्लिश, सारी सारी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी अपन को, है ना। ग्रामर के सारे सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना, चीजों को सीखना। ठीक है, एक तो अपन होता है कि मानो अपन को चपरासी की एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, चपरासी, अरे ये पीला कहाँ से गया, चपरासी इसको ग्रुप डी लेवल की, ग्रुप डी लेवल की कोई पोस्ट है, उसके लिए अपन ने अप्लाई किया और अपन उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश पढ़ लीजिए और सारे सारे नियम घोट लीजिए, टेंस पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए, डिटरमिनेंट पढ़ लीजिए, सारे के सारा रूल घोट लीजिए और आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, कर लेंगे आप। लेकिन जब बात आती है एनडीए की, तो एनडीए आपको चपड़ासी नहीं बनाएगा, आपको एलडीसी यानी क्लर्क क्लर्क नहीं बनाएगा। तो क्या बनाएगा आपको? एनडीए क्या बनाता है? ऑफिसर। ऑफिसर जो होता है ना भाई, ऑफिसर दिखता ही अलग है, ऑफिसर दिखता ही अलग है। ऑफिसर हर जगह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ठीक है, और भारत के किसी भी कोने में जाएगा या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, अंग्रेजी बोलने वाला मिलता है, अंग्रेजी बोलने वाला हर कोने में मिलता है। आप अफ्रीका चले जाओ, आपको हिंदी बोलने वाला मिले नहीं मिले, अंग्रेजी बोलने वाला जरूर मिलेगा। चाइना चले जाओ, हिंदी बोलने वाला मिले नहीं मिले, आपको अंग्रेजी बोलने वाला जरूर मिलेगा। इस वजह से इंग्लिश समझनी चाहिए अपन को। अब इंग्लिश
पढ़ेंगे आप सारे सारे नियम आपको भी याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नियम याद नहीं करने हैं आपको, आपको नियमों की क्लासें लेनी है, उसीलिए हम हैं यहाँ पर, हमें नियमों की क्लासें आपको देंगे। वो सारे सारे नियम अपन सीखेंगे एक एक करके। जैसे अपन टेंस है तो टेंस के अंदर पूरा डिटेल वाइज अपन इसको पढ़ेंगे 2023 के फर्स्ट एनडीए के लिए, ठीक है। पर पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे, पढ़ेंगे अपन। क्या हो गया इसके अंदर, इसको मिटा देते हैं, पूरा पढ़ेंगे। प्लस आपको एक काम और करना है मेरे भाइयों साथ में, अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो आपको एक काम तो जरूर जरूर करना पड़ेगा। क्या है वो काम? वो काम है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना। अंग्रेजी एक बार पढ़ेंगे आप रोज, पहले आप एक क्लास लेते रहिए, शुरुआत कीजिए आज। अगर आप क्लास लेना स्टार्ट करते हैं तो आज से आप अंग्रेजी एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी एक बार बहुत ज्यादा जरूरी होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ कि आप उस लैंग्वेज को किस तरीके समझते हैं, तो लैंग्वेज की समझ के लिए कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है। और कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने के लिए अखबार पढ़ना बहुत ही सही माध्यम है। अखबार पढ़िए, रोज पढ़िए, क्लास छूट जाए चाहे, लेकिन अखबार पढ़ना नहीं छोड़ना है। कई बार सरकमस्टेंस होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, देयर आर सरकमस्टेंसेस इन योर लाइफ कि भी आप आज पढ़ाई नहीं कर सकते, आज आप मैथ नहीं पढ़ सकते, आज आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, लेकिन सोवन खा लो, अखबार तो पढ़ना है, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होगी। और भाई लोगों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक बार अखबार पढ़ लीजिए। एक बार जब आपने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया तो 5-6 महीने अखबार पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश के अंदर एनडीए के जो पेपर है, एनडीए के पेपर के अंदर आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होते हैं, 50, उसमें से 40 आप हंसते खेलते भिड़ाओगे। कितने भिड़ाओगे? 40 हंसते खेलते हैं। आपको कुछ और पढ़ने नहीं चाहिए, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर, डिटेल सेशन अपन चलेंगे रोज के रोज, वो डिटेल सेशन आपको रोज पढ़ने, प्लस एक अखबार पढ़ना रोज, एक अंग्रेजी अखबार। हिंदी अखबार मत पढ़ लेना गलती से भाई, हिंदी अखबार में क्या खबरें होती है कि लो गुसाई जी घाटी पे एक्सीडेंट हो गया, साइकिल वाले ने ट्रक वाले को ठोक दिया, या फिर ट्रक वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया, ऐसे खबरें होती है, उनसे कोई मतलब नहीं होता अपन को। अपन को अंग्रेजी अखबार पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अगर शुरुआत करनी है आपको अंग्रेजी अखबार पढ़ने की, तो आप पहले टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, या फिर आप पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। शुरुआत करने के लिए दोनों अखबार अच्छे हैं, 2-2.5-3 महीने इनको पढ़िए, फिर आप चीजें समझने लग जाएंगे। उसके बाद आप स्विच कर दीजिए एक अखबार के ऊपर जो है हिंदू, जिसका नाम है द हिंदू। क्या है? द हिंदू आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका जो द हिंदू जो अखबार है, इसका एक पार्ट होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल जो पार्ट होता है वो बहुत शानदार होता है, उसकी अंग्रेजी बहुत शानदार लेवल की होती है। और एक बात पक्की है, जो बच्चा द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ करके उसका मीनिंग समझ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको कोई मायका लाल एनडीए का रिटर्न के अंदर इंग्लिश के पेपर में 50 में से 45 शुरू करने से कोई नहीं रुकता, ठीक है ना। 50 में 45 आप कर देंगे। अब बात आती है प्रोवर्ब्स और इडियम वगैरह की, एंटोनिम वगैरह की, तो आप उनको आपको याद करने पड़ेंगे। उसमें होता है कि जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं सारे के सारे, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, प्लस जो अखबार के अंदर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले प्रोवर्ब्स वगैरह आ रहे हैं उनको भी आप साथ साथ याद करते चलिए। जो प्रीवियस ईयर वगैरह हैं सारे के सारे हम यहाँ पे कराएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। रोज अपन क्लास लेंगे और अपन सारी सारी चीजें करते चले जाएंगे। अब ये नया पेज कहाँ से आता है? ठीक है ना, तो ये पेज आ गया शायद। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगर अपन ने इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन ने देख लिया, ठीक है, और इंग्लिश समझ कैसे अपन डेवलप करेंगे वो अपन ने देख लिया कि इंग्लिश समझ कैसे डेवलप की जाती है। अब सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे तो अपन टेंस से स्टार्ट करेंगे, अपना जो टॉपिक है वो टेंस से स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास उसी के लिए है ये, तो बस मैंने थोड़ा सा पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, व्हाट कैन बी अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश, है ना। और सबसे पहली बात कि आपको है ना साथ साथ पढ़ते पढ़ने के साथ साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। आप रोज एक बार पढ़िए तो बोल बोल के पढ़िए, आपकी बोलने की आपके जो माउथ है उसकी टंग जो है ना टंग उसके अंदर सही तरीके से फ्लक्चुएट होगी, और आपको वर्ड को प्रोनाउंस करने की आपकी हैबिट बन जाएगी, आप वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है, वो जरूरी है।
अब हम स्टार्ट करेंगे सही तरीके से अपनी क्लास। ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया एनडीए के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, अपन बेसिक क्लास स्टार्ट अपनी कर लेते हैं। तो भाई अपन टॉपिक पढ़ते हैं टेंस। एक्सक्यूज मी, येलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका ना, कलर इसका येलो लेते हैं। कौन सा ले लें, येलो किससे आएगा, चलो येलो कलर ले लिया। हाँ तो येलो कलर से पढ़ेंगे अपन। ये होता है टेंस। टेंस के अंदर सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तीन पार्ट के अंदर बांटते हैं, तीसरा फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपके तीनों के अंदर, तीनों के अंदर चार चार पार्ट आ जाएंगे। सबको पता है सिंपल टेंस आ जाएगा, सिंपल टेंस आ गया, कंटिन्यूअस टेंस आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तीनों के अंदर। ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। ठीक है, ये सब अपन से बचपन से देखते आ रहे हैं, अपन को इसकी हैबिट है। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गई। अब टेंस का अपन इतना सारा ये टेंस में बांटते हैं, टेंस क्यों पढ़ते हैं अपन, टेंस अपन पढ़ते क्यों है भाई, टेंस की इंपोर्टेंस क्या है वो अपन पहले देख लें। टेंस पढ़ने से पहले टेंस की इंपोर्टेंस एक्चुअल में बढ़ जाती है आपको, आप जो जितने वाक्य बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर उन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं टेंस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। टेंस अगर आप सही नहीं यूज करोगे उसके अंदर तो आपके बोले हुए वाक्य बहुत अजीबोगरीब हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लोग। टेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब एक्चुअल में टेंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंस के अंदर अपन बोलते हैं उसको टेंस है, लेकिन उसके अंदर अपन मेनली क्या चीज पढ़ते हैं, अपन अपन पढ़ते हैं वर्ब्स। क्या पढ़ते हैं अपन, कि अपन वर्ब्स को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते होंगे तो आपके 10th क्लास जो होती है बेसिक लेवल क्लास होती है, उसके अंदर आपके एक आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे लिख के आते हैं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। इस टॉपिक के अंतर्गत आपके टेंस से पूछ जाते हैं आपको। जब टीचर जो है आपको क्लास में पढ़ाता होता है तब वो क्या पढ़ाता है, टेंस लिख करके आपको तीन बांट दिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे सारे नियम पढ़ा दिए उसके अंदर जो चारों हिस्से उनको बांट करके सभी के नियम पढ़ा दिए कि प्रेजेंट सिंपल है तो ऑलवेज, रेली, बेली, सेल्डम, ऑफन, सारे सारे आप एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब्स आए तो ये लगाना है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो प्रेजेंट सिंपल लगाना है, सारी चीजें अपन पढ़ते हैं बचपन से। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करके पूछते हैं वो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे राम, एक सेकंड, गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर राइटिंग मिस्टेक। तो राइटिंग को मैटर मत, राइटिंग मैटर नहीं करती भाई लोग, राइटिंग पे ध्यान मत देना आप, बस मटेरियल पे ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। राम ऑलवेज तो आपको ये तो प्लेज क्रिकेट, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चन आया करते थे बचपन में, आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है कि भाई जब भी किसी वाक्य के अंदर ऑलवेज दिखे आपको तो उस वाक्य के अंदर सामान्यतः क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, क्योंकि उसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, राम ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। तो राम रोज के रोज ही, राम हमेशा क्रिकेट खेलता, तो उसके अंदर क्या आ गया, उसकी क्या हैबिट दिख रही है या फिर उसका डेली रूटीन दिख रहा है कि भी जो राम है वो हमेशा खेलता है, राम है वो हमेशा ही खेलता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब उसके अंदर दिमाग आपको लगाना होता है, आपको दो वर्ब दे दी या फिर मैं चलो एक दो ऑप्शन और आपको और दे देता हूं, प्लेइंग हो गया, या फिर मैं देता हूं एक और ऑप्शन, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे कंफ्यूजन आपकी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जब कंफ्यूजन बढ़ेगी तभी तो टीचर की आवश्यकता होगी। टीचर होता किस लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो भाई आपको ये चार ऑप्शन दे दिए और आपको दिमाग लगाना है, आपको ये देख करके पता चल गया ये जो है ना
आपके सामने ये आया है, कौन आया है आपके सामने, ऑलवेज आया है। इस ऑलवेज को देख करके आपको पता चल गया कि वाक्य के अंदर कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मेन मुद्दा है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वाक्य अपन बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो उसके अंदर जो वर्ब आ रही है, वर्ब क्या है, प्ले मतलब खेलना, ठीक है, खेलना अंग्रेजी में हम प्ले बोल देते हैं। अब वर्ब की फॉर्म आ रही है यहाँ पे, ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आएगा तो अपन वाक्य के अंदर बोलते या लिखते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ये टेंस है। ये क्या है, टेंस। ये होता है टेंस का असली मतलब, टेंस मतलब काल, टेंस मतलब समय। ठीक है, हम वो सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे कि भाई ज्ञानी बनने के लिए चीजें पढ़नी होती है। हम इस बैच में केवल वही चीजें पढ़ेंगे जो वास्तव में एनडीए क्लियर करने के लिए जरूरी है। अपनों ज्ञानी नहीं बनना है बहुत ज्यादा, अपन को वो चीजें पढ़नी है जिससे अपना एनडीए का पेपर निकले और एसएसबी के अंदर अपन अंग्रेजी बोले अच्छे तरीके से और अपना एसएसबी क्लियर करें और आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट की तरह अपन रिक्रूट हो। सभी लोग साथ में रहेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये सारी सारी क्या है, वर्ब्स की फॉर्म है। मैंने यहाँ पे चार लिख दी है, अभी वर्ब की चार फॉर्म लिख दी। ठीक है, अब पहले अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो मैटर नहीं करता, वैसे अभी के लिए लिख देता हूँ मैं राम प्लेस, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था मुद्दा कि 10th क्लास के अंदर हम पढ़ते थे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको टीचर पढ़ाता था, वर्ब्स की फॉर्म अपन पढ़ते थे। ठीक है, ये मतलब होता है टेंस का। जब अपन कॉम्पिटिशन क्लासेस के लिए या फिर अपन एनडीए के लिए पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर भी अपन क्या पढ़ते हैं, वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है, कौन से टेंस के अंदर। वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाक्य के अंदर कौन से टेंस का यूज होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए, पास्ट सिंपल का होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट का होना चाहिए, कौन से टेंस का होना चाहिए। 12 बार दिया ना उसको भाई, एक के तीन टेंस के अंदर तीन बार दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर तीनों के चार चार बार दिए, 12 पार्ट में बांट दिया उसको। 12 पार्ट्स के अंदर, 12 पार्ट्स में अंतर क्या है, सबके अंदर वर्ब्स की फॉर्म अलग अलग तरीके से यूज होती है। ठीक है, और 12 के 12 को पहचानने के अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके अपन यहाँ पर सीखेंगे। वो तरीके सिखाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ भाई आपके साथ में, वही तरीके अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो उसके लिए चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक सामान्य सी बात बता दीजिए मेरे को, अगर कोई बच्चे ऑनलाइन है तो भाई आप मुझे लिख करके बताइए कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, बताइए भाई बताइए, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, जल्दी बोलो भाई लोगों। चलो, वर्ब की फॉर्म तीन होती है। अरे भाई भाई गलती कहाँ कर रहे हो, तीन होती है। अभी तो मैंने तुमको चार लिख के दिखाई, अभी तो मैंने तुमको चार लिख के दिखाई। तो पहले एक बच्चे क्या, जैसे आप देखो छोटे क्लास में होता था, आपको वर्ब की फॉर्म बताते हैं कि बिना तीन फॉर्म्स होती है, वास्तव में वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, चार, पांच होती है। कितनी होती है, पांच, V1 V2 V3 V4 और V5, वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है। और इन्हीं पांच फॉर्म्स को अपन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अलग अलग टेंस के अंदर। तो इन पांच फॉर्म्स को, हाँ इनमें से पांच, ये जो पांच है इनमें कई बार वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगी, कल बार अकेली आएंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे यूज करते हैं आपको सिखाऊंगा आगे मैं, पहले एक बार इसकी मत बता रहा हूँ, वो समझिए कि भाई पांच फॉर्म्स होती है, इनको अपन किस किस तरीके से कौन कौन से टेंस के अंतर्गत अपन इनको यूज करते हैं वो अपना मुद्दा है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए पांच फॉर्म्स है। पांच फॉर्म्स सर समझ नहीं आया सर कैसे, हम सर तीन तो बचपन से पढ़ते आए थे, कैसे आपने पढ़ा होगा बचपन से, एक्चुअली रुकिए ये हो गया, आपने पढ़ा और ऐसे लिख लेते हैं एक बार, हाँ आपने पढ़ा कुक, कुक मतलब पकाना, ये पकाना वो नहीं है जो आप अपने भाई बहन को करते हुए ना, ये पकाना वो नहीं है, कुक मतलब कुछ खाना वगैरह पकाने के सेंस में। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, ईडी जोड़ दिया। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। जो फोर्थ फॉर्म होती है, तो फोर्थ फॉर्म को अपन बोलते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, क्या बोलते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, कुकिंग। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है एस या ईएस वाली फॉर्म, कौन सी वाली फॉर्म, एस या ईएस वाली फॉर्म, तो क्या है, कुक्स। अब ये जो पांच टाइम लिखे, पांच टाइम मैंने लिख दिए, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि यार सर ये चीजें तो हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है, बस हम बता ही नहीं पाए थे आपको टाइम पे कि वर्ब की फॉर्म्स
होती है, तीन होती है, आप कंफ्यूज हो गए थे। देखिए ये पांच फॉर्म्स अपन इनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं, अभी मैंने प्ले लिखा था, अब मैं लिख देता हूँ ईट। ईट ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, ठीक है। ईट एट ईटन, और चौथी फॉर्म क्या होगी इसकी, ईटिंग, वही आईएनजी जोड़ करके ईटिंग हो गई। और पांचवी फॉर्म क्या होगी, वही इसके आगे एस या ईएस जोड़ करके, पर डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर, तो यहां पर इसके साथ एस जुड़ता है, ठीक है। तो ये चौथी फॉर्म को आप लिख लीजिए, यहां पर लिख करके आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म, और ये वाली कौन सी होती है, एस या फिर ईएस वाली फॉर्म होती है, ठीक है, एस ईएस वाली फॉर्म होती है। सर आप समझेंगे कि पांच फॉर्म्स होती है, इनको अपन यूज करते हैं। अब कब कैसे यूज करते हैं अपन देखते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सामान्यतः, एक बेसिक जानकारी आपको देता हूं मैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं V1 और V5 को यूज करते समय, V1 और V5 को यूज करते समय, समझे। V1 और V5 को यूज करते समय बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सर कैसे, सर बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, अभी दिखाते हैं भाई, अभी दिखा देते हैं आपको। चलो कहाँ से, यहाँ से, जैसे मैं लिखता हूँ आपको, पहले एक बार एक चीज देख लीजिए कि जो इसकी सॉरी, पेपर आया क्या, कहाँ गया, ये रहा। अभी जो V1 होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब एक्चुअल में ये क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, क्या होती है, सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म होती है, और ये होती है प्लुरल फॉर्म। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि गलती बच्चे कैसे करते हैं, चलो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप एक चीज देखते हैं, कहाँ से गया, पांचवा है ना, हाँ ठीक। जैसे मैं लिखूं यहां पर, राम, या फिर चलो राम नहीं लेकर के आप ये नाउन चेंज करता हूँ, इसका नाउन दूसरा लेते हैं अपन, जैसे ले लिया अपन ने, ये पहले आपको बेसिक समझाता हूँ, चलो ठीक है। आप देखिए कोई भी नाउन है, जैसे बॉय, ठीक है, इसके आगे जब अपन क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं, क्या बन गया, बॉयस। ये एक एग्जांपल है, इसकी तरह कोई दूसरी भी नाउन हो, कोई दूसरी भी, कोई दूसरी नाउन हो, जैसे गर्ल, इसके आगे अपन एस ई एस जोड़ते हैं। एस ई एस डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर कि वर्ड कौन सा है, कि वर्ड कौन सा है, आपको सिखाएंगे आगे, अभी इतना समझिए। ये ऐसे ऐसे इसके साथ जोड़ दिया, तो जब अपन कोई भी नाउन होती है, कोई भी, या फिर इसको अलग से लिखते हैं, ऐसे कलर लेते हैं, अलग वाइट कलर लेते हैं इसका, हाँ कोई भी नाउन है प्लस एस या एस कर दिया उसका, यानी ऐसे एक शब्द को, इसको मैं ये लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इसको इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, ये लो, ये लकीर हो गई सही, नाउन प्लस एस या एस। जब कोई भी नाउन होती है बिना एस या एस की होती है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है उसकी, सिंगुलर फॉर्म होती है। और जब उस नाउन के अंदर अपन एस या एस जोड़ देते हैं, एस 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 उसके अंदर अपन जोड़ देते हैं, तो नाउन बन जाती कैसी, प्लुरल, नाउन बन गई कैसी, प्लुरल, यानी बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लुरल मतलब बहुवचन, प्लुरल मतलब बहुवचन, एक वचन मतलब जिससे एक नाउन का सेंस हो कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु, एक स्थान है, और बहुवचन मतलब जिससे बहुत सारे नाउन का पता चले आपको कि भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्थान हैं, या फिर बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक साहब, हाँ।
तो अपन ये अपन ने देखा नाउन के लिए। लेकिन जब अपन वर्ब्स देखते हैं, जब अपन वर्ब्स देखते हैं तो भाई लोग गड़बड़ क्या होती है, अपन कंफ्यूज होते हैं कैसे। ये तो देखिए, ये खेत दी लकीर के बीच में, जैसे अगर मैं लिखूं गो, गो मैंने लिख दिया, अब ये मैंने इसके आगे जोड़ दिया एस या ईएस। अब गो के आगे आप सबको पता है बचपन से आप लिखते हैं जी ओ ई एस गोस, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगाना है, ई एस जुड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर क्या जुड़ गया, गोस। या आप धीरे धीरे वर्ड्स को यूज करते 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 करते, अखबार पढ़ते पढ़ते पढ़ते, किताबें पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और हमारे सेशन लेते लेते आप सीख जाएंगे कि भाई कैसे एस ए एस, किस जगह एस जोड़ना है, किस जगह एस या ई एस जोड़ना है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे अपन जोड़ दिया, एक और ले लेते हैं, जैसे वॉक। ये हो गया वॉक, वॉक मतलब होता चलना। इसके आगे अपन क्या जोड़ दिया, एस या ई एस अपन ने जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वॉक्स हो गया। ठीक है साहब, वर्ब थी विदाउट एस या एस थी, देन वी एडेड एस या ई एस, और फिर ये उसकी नई फॉर्म बन गई। अब ये बताया मैंने आपको ये कौन सी फॉर्म होती है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, ये है पांचवी फॉर्म। ठीक है साहब, अब मुद्दा ये नहीं है, अब मुद्दा अलग है, और मुद्दा क्या है यहाँ पर, अब मुद्दा ये है सर, क्या है मुद्दा, कि ये जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है, कैसी है प्लूरल है, और ये कैसी है सिंगुलर है, ये आप कैसी है सिंगुलर है साहब। अब एक चीज आप गौर करो यहां पर, जब कोई नाउन विदाउट एस या ई एस होती है तो वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, लेकिन उसके साथ एस या एस जोड़ने पर वो कैसे बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, बहुवचन बन जाती है। और जब कोई वर्ब है वो विदाउट एस या एस है तो कैसी है, वो बहुवचन है, और जब एस या एस जुड़ जाएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मतलब इनका जो संबंध है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है, एकदम विपरीत है साहब, इनका संबंध एकदम विपरीत है। और बच्चे पता है क्या करते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इस चीज को इससे रिलेट कर लेते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, कैसे, चलो दिखाते हैं आपको नए पेज पे चल करके, पेज नंबर चट्टा, चलो कैसे मैं लिख रहा हूं, अ बॉय करते हैं ईट, या फिर ईट्स एन एप्पल, बॉयज ईट, या फिर ईट्स एप्पल्स। ठीक है, जैसे एक और लिख देते हैं, अ गर्ल कुक, या फिर सॉरी नहीं कुक्स फूड, या आपके सामने, या फिर मैं लिख दूं गर्ल्स, सॉरी ये लो इसको लिखते हैं पूरा बड़ा, गर्ल्स कुक, या फिर कुक्स फूड, अब ये बताओ। अब आपको मैंने एक्चुअल में चेंज हो गया, सॉरी आपको मैंने कितने ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए, चार क्वेश्चन दिए आपको, एक हाँ क्या हो रहा है, दो, और ये दिया चेंज हो जा रहा बार बार, चेंज कैसे हो रहा है ये, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, तीन, और ये चार, चार आपको एग्जाम्पल दिए,
ठीक है भाई, अब चारों एग्जांपल में आप मेरे को वर्ब्स भर के बताएंगे। चलो देता हूँ आपको 30 सेकंड का समय, वर्ब्स भरिए, वर्ब्स भरिए भाई और लिख के बताइए क्या आना चाहिए इनके अंदर। बताओ भाई लोगों, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट आते हैं तो। चलो अब देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर देखा उन्होंने, ए बॉय, एक लड़का और इसके आगे एस आई एज नहीं जुड़ रखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज, इसके आगे एस आई एज जुड़ रखा है। तो भाई अब क्या करें, अपन तिकड़म बिठाते हैं, अब अपन ने पढ़ाई तो की नहीं, अपन को चीज आती नहीं है, क्या करें, ए बॉय है, बॉयज है, एस या ई एस जुड़ा हुआ है, इधर देखो ईट या फिर ईट्स आया है, क्या करें क्या करें, और यार यहाँ पर एस एस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एस एस जुड़ा हुआ है, दोनों सही लग रहे हैं अपन को, तो ये बिठा दिया, कलर चेंज किया। कलर चेंज किया और सर अपन ने ये बिठा दिया, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इधर देखा तो वो है, एस एस नहीं है, तो सर बिठा दो ये, नहीं भाई ये नहीं बिठाना, क्यों नहीं बिठाना है, पिछले पेज पे चलो, पिछले पेज पे चले, तब क्या सिखाया था मैंने, जब नाउन है एस आई एस के बिना है तो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। तो एक बात मैं आपको यहां पे लिखाना चाहूंगा, क्या लिखाना चाहूंगा, देखिए हाँ हम देखते हैं एक चीज यहाँ पे, देखिए कि कोई जब नाउन है, ठीक है, जैसे अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन कैसी है, सिंगुलर है, तो उसके आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो भी कैसी फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आती है। और जो नाउन है, अगर कोई नाउन दे रखी है आपको, वो उसकी कौन सी फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है, यानी बहुवचन फॉर्म में है, तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लुरल होगी, प्लुरल होगी साहब, क्या होगी, वर्ब। ठीक है, अब इस मुद्दे पर चलते हैं, अब आगे देखिए कौन सा आया। यहाँ पे देखो, वी नाउन ए बॉय, ए बॉय क्या होता है, एक लड़का, मतलब क्या है, सिंगुलर नाउन है, कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो कैसी फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, जब नाउन एस या एस के बिना है तो कैसा है, सिंगुलर है, और जो वर्ब है वो एस या एस के साथ है ना, तब वो क्या है, सिंगुलर है, देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो, लिखा था मैंने, ये देखो वर्ब है, वर्ब एस या एस के साथ होगी तो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और एस या एस के बिना तो कैसी होगी, प्लुरल होगी। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया था अपन ने, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई ए बॉय, मतलब एस एस नहीं दिया हुआ, तो आगे आने वाला और किसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो अपना ऑप्शन क्या सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, बॉयज लड़के बहुत सारे, बहुवचन है, आगे आने वाला वर्ब किसे आएगी, बहुवचन आएगी साहब, बहुवचन वर्ब आएगी, तो बहुवचन वर्ब जब लगाएंगे तो ईट्स बहुवचन होती है, फिर ईट बहुवचन होती है, ध्यान रखिए नाउन एस या एस के साथ वाली बहुवचन और वर्ब एस या एस के बिना वाली कैसी, बहुवचन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईट आएगा, लिख देते हैं ईट, समझे भाई। एक और देख लीजिए एग्जांपल, ए गर्ल, एक लड़की, एस या एस के बिना है, नाउन है, मतलब कैसी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, आगे आने वाला वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, एस या ईएस के साथ वाली सिंगुलर होती है, फिर एस या एस के बिना वाली, तो भाई एस या ईएस के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ये गलत होगा, क्या लगाएंगे यहाँ पर, कुक्स, हो गया आपका सही ऑप्शन, बिल्कुल आसान, गर्ल्स लड़कियां नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ दिया, मतलब नाउन कैसी हो गई, बहुवचन हो गई, आगे आने वाली वर्ब कैसी आएगी, बहुवचन आएगी साहब, बहुवचन कौन सी है, कुक, कुकिया, ये बहुवचन हो गई। अरे बुझे के नहीं, बुझे के नहीं, समझे के नहीं भाई, तो ये चीज है, तो ये आपकी एक बार फिर समझ लीजिए इसको, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन कैसी सिंगुलर होती है, बिना एस एस वाली सिंगुलर होती है, वर्ब कैसी सिंगुलर होती है, एस एस के साथ वाली, तो
अब जरूरी नहीं है हर एक नाउन का बहुवचन ऐसे ही बने, ठीक है, हर एक नाउन का बहुवचन बनना ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे ये क्या हो गया, चलो तो भाई अपन ने ये बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी कि ना कौन से नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगानी चाहिए, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, और वर्ब की जो फॉर्म है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है आज बच्चों के लिए, V1 और V5 ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, अपन V1 कब यूज करनी है, V5 कब यूज करनी है, ये बहुत अच्छे से सीख लीजिए। ये नियम आपके हर जगह काम आना है, और इस नियम में बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं इस नियम को, कि छोटी सी चीज है, लेकिन भाई साहब इस छोटी चीज ने बहुत सारे लोगों की लंका लगाई हुई है, आते नहीं गलत करते थे बच्चे। तो आप इस चीज को सीखिएगा, ठीक है। अपन अरे समझ में आया नहीं आया सारी चीजें, समझ में आई कि नहीं आई, आया उतार लेना इसको, आपको सारी सारी ये है ही सारी, इसके आगे अपन पढ़ लेंगे कल, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल, और अपन जो बाकी जो वर्ब्स रह गई हैं अपनी उन चीजों को पढ़ेंगे भी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होती है, थर्ड फॉर्म कैसे यूज होती है, और फोर्थ फॉर्म कैसे यूज होती है, अपन उसको देखेंगे। अपन हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है, ये सारी चीजें अपन कल की क्लास में अपन देख लेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, चीजें समझते रहेंगे। NDA 2023 का पहला वाला आपका जरूर निकलेगा, अंग्रेजी के अंदर आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये अपना वादा है। ठीक है भाई, चलते हैं, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। Gracias.